once we have the quadratic polynomial, f x is equal to 4x square minus 8ax plus 8x minus 9 plus 8x minus 9 is negative of the other. मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो काट सकते हैं, ठीक है? तो k की वैल्यू बना दी, k
के की वैल्यू 1 आ गई तो मैं इस वाली इक्वेशन पे डाल दूंगा। नाउ लेट द अदर पॉलिनोमियल जी, जो दूसरा पॉलिनोमियल है उसको मैंने जी एक्स मान लिया, जी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2। अब k की वैल्यू पता चल गई है 1 है, तो 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये हो गया। अब वो कह रहे हैं कि देन फाइंड द जीरो ऑफ दिस, मैंने तो इसका जीरो निकाल दिया, एक जीरो नहीं है इसके, इसके जीरो कई सारे हैं, एक जीरो स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें करेंगे इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लेट अस पुट gx इज इक्वल टू 0, 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 1 इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x square plus 2x plus 1x plus 2 is equal to 0, मिडटर्म स्प्लिटिंग करिए सीधा सीधा, 2x plus 1x 3x हो जाएगा और 2 into 1 2 के x common ले लिया, x plus 2 उधर 1 common ले लिया, 2x plus 2 x plus 2 ऐसे आ गया और ये हो गया x plus 1 x plus 2 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 2, x की वैल्यू minus 2 आ गई और minus 1 आ गई, ठीक है। तो ये उसके बाकी के दोनों zeros निकल गए, बताइए जी क्लियर, ठीक है। पॉलीनोमियल में कोई डाउट, और रियल नंबर आप लोगों को करवाया थोड़ी था, दूसरे बैच में नहीं करवाया, ठीक है। तो रियल नंबर में कोई डाउट हो, पॉलीनोमियल में कोई डाउट हो, क्योंकि इन दो चैप्टर्स का मैं कल टेस्ट ले रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में वो कुछ बताओ, ठीक है। तो फिर मैं करवाऊँ, फिर अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाता हूँ स्टार्ट। हाँ, 3:30 से 4:30 वाले में परसों टेस्ट ले रहा हूँ, वहाँ रियल नंबर नहीं कराया, तो वहाँ पॉलीनोमियल का टेस्ट है।
फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें एग्जांपल नंबर 1 लिखे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना कैसे फॉर्मुलेट करी जाती है, कैसे बनाई जाती है, एग्जांपल नंबर 1। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240। Formulate the quadratic equation whose roots are these integers. Whose roots are these integers? तो वो बोल रहे हैं the product of two consecutive positive integers is 240। तो हमारे पास दो consecutive positive integer, consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले। तो अगर एक हमारे पास जो integer है वो x है तो दूसरा integer हो जाएगा x plus one। उन्होंने बोला कि उन दोनों का जो product है वो 240 है। यहाँ लिखेंगे let the two consecutive positive integers be x and x plus 1। तो जो दो consecutive positive integers हैं उनको हमने x और x plus 1 मान लिया, उन दोनों का product 240 दे रखा है। तो x multiplied by x plus 1 is equal to 240, तो x into x is x square, x into 1 is plus the x, और इधर is equal to 240 है, तो इधर left hand side में आएंगे तो minus 240 is equal to 0, x square plus x minus 240 is equal to 0, वही quadratic equation यही करना होता है, भाई पहला वाला जो है वो x square वाला term होना चाहिए, दूसरा x वाला term और तीसरा constant term, वो जो अपने polynomial करा है, तो polynomial अपने syllabus में केवल quadratic polynomial ही है, तो उस पॉलीनोमियल को ही जीरो के बराबर रख तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, बस यही, ठीक है। तो हमें बस नहीं पूरे चैप्टर पहले क्वेश्चन वाला ही थोड़ी होता है, पूरा चैप्टर पहले क्वेश्चन देता है। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बनाने वाले क्वेश्चन है, उसके बाद क्या है, उसके बाद वो कहेंगे कि आप इनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के भी दो तीन अलग अलग मेथड्स अपने सिलेबस में, लेकिन दो ही मेथड हमें, दो ही मेथड थे। रूट्स का मतलब क्या है कि जब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो इसके रूट्स क्या रहेंगे, है ना, तो वही जो है वही इसका सॉल्यूशन है। मिड टर्म से हो सकता है, हमको करना नहीं है, हमें बस बनानी थी इक्वेशन, बनाकर छोड़ दिया। मिड टर्म स्प्लिटिंग भाई माइनस 240 है ना, तो 1 का देखो ना, 1 को कुछ इस तरह से मिड टर्म स्प्लिटिंग करिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 के बराबर है, मल्टीप्लीकेशन माइनस 240, सोचो। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, पॉलीनोमियल को जीरो के बराबर रख देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, हो रहे हैं क्या? नहीं किसी और कुछ भी हो सकता है, अरे सोचो सोचो निकल सकता है, नहीं मिल रहा है। अच्छा यहाँ तो सिर्फ फॉर्मुलेट ही करना है, इन्होंने भी सॉल्व किया, बताओ कुछ हो सकता है? 240 का 18 into 3 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 minus 15, ठीक है,
16 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 16 माइनस 15 बन जाएगा प्लस का वर्ग, ठीक है। चलिए मेरे को लेकिन अभी सॉल्व नहीं करना था, तो मैं एग्जांपल नंबर 2 देखता हूँ। तो कर लेना, क्या हो गया, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इसका पूरे का एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब वो बोल रहे हैं लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को एक्स मान लो। और जो लेंथ है वो क्या हो गया, वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है, तो 2x प्लस 1 हो गया, ठीक है। लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर, देन लेंथ विल बी 2x प्लस 1। तो ब्रेथ को मैंने एक्स मान लिया, तो लेंथ जो है वो मैंने पहले ही बता रखा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है, ठीक है, ये दे रखा है। और एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब आप समझ ही गए कि रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, लेंथ कितना है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना है x 528, तो 2x into x is 2x square और 1 into x is x is equal to 528 as we know there minus 528 is equal to 0, सही है, ठीक है। ये हो गया, और निकालने के लिए बोला नहीं है लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, नहीं सिर्फ इतना ही करना है, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू डिटरमिन उसकी वो लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकती है बना सकता है, बस इतना और कुछ नहीं। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 3, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट
digit number is such that the product of the digits is 12. When 36 is added to the number, the digits change their places. When 36 is added to the number, the digits interchange their places. Let's stop. Formulate the quadratic equation whose roots digits of the number whose roots are digits of the number. अब जब भी कभी आपके पास टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आप उसकी जो यूनिट्स डिजिट है, टू डिजिट नंबर है तो टू डिजिट नंबर में दो यूनिट होगी, है ना, एक मतलब दो डिजिट होगी, सॉरी, तो एक तो होगी यूनिट्स डिजिट जिसको वन डिजिट भी बोल देते हैं, एक होगी टेंथ डिजिट। ऐसे ही थ्री डिजिट नंबर आएगा तो उसमें हंड्रेड डिजिट हो जाएगी, लेकिन थ्री डिजिट नंबर अपने सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थ्री डिजिट नंबर में मेरे को एक वेरिएबल एक्स मानना पड़ेगा, एक को वाई मानना पड़ेगा, एक को जेड मानना पड़ेगा, तो तीन वेरिएबल हो जाएंगे अपने, तो सिलेबस में दो वेरिएबल है। आपको याद दिला देता हूँ, टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 25 है, तो 25 एक टू डिजिट नंबर है, तो इसमें जो 5 है ये क्या है, यूनिट्स डिजिट, और जो 2 है ये है टेंथ डिजिट। तो भाई यूनिट्स डिजिट में तो 1 मल्टीप्लाई कर दो 5 इनटू 1, और 10 डिजिट में 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 10 होता है, 5 इंटू 1 इज 5, 2 इंटू 10 इज 20, तो 5 प्लस 20 इज 25, ठीक है। इस तरह से किसी भी टू डिजिट नंबर को हम लिख सकते हैं। अब जब मुझे पता ही नहीं है कि टू डिजिट नंबर क्या है, तो उन्होंने बोला है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू रूट्स आर डिजिट्स ऑफ द नंबर, उसके जो रूट्स आएंगे वो उसके डिजिट होंगे, नंबर के डिजिट होंगे। तो मुझे डिजिट्स का पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट द यूनिट्स डिजिट बी एक्स, लेट द यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड द टेंस डिजिट बी वाई। मेरी बात आपको क्लियर है? जब भी कभी हमारे पास टू डिजिट नंबर आएगा तो आप यूनिट्स डिजिट को एक्स मान लो, टेंथ डिजिट को वाई मान लो, ठीक है, मैं ही बता रहा हूँ।
क्या ये लिखा है, ये तो लिखा है दैट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड द टेंथ डिजिट बी वाई, तो नंबर क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट एक्स है उसमें तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो, टेंथ डिजिट वाई है उसमें 10 को मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर बन जाएगा एक्स प्लस 10 वाई। यहाँ तक बता दीजिए क्लियर है कि नहीं? लेकिन इसमें तो दो वेरिएबल्स होंगे। कोई बात नहीं, आपको भी सिंगल में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ये नंबर है, उसके बाद आप लिखें रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर में क्या है, रिवर्स नंबर ये हो गया कि डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इंटरचेंज देयर प्लेसेस का मतलब क्या है कि ये जो एक्स है ना ये तो 10th डिजिट बन जाएगा, यानी कि एक्स इंटू 10, और ये जो y है ये यूनिट डिजिट बन जाएगा, मतलब y इंटू 1, तो ये बन गया 10x plus y। अभी तक ये क्वेश्चन जो है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चल रहा है, क्योंकि अभी मैंने दो वेरिएबल मान रखे हैं x और y। जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों में मेन अंतर आपको ये दिखाई देगा, वहाँ पर एक वेरिएबल और दो वेरिएबल होंगे, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होगा, तो कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी जिससे दो वेरिएबल सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12, अब हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन x into y is equal to 12, it implies that y को क्या बोल सकते हैं 12 upon x, ये करके इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं, but two digit number is such that the product of the digits is 12, the product of the digits यानी कि x into y वो आ गया 12 के बराबर। अब ये कह रहे हैं when 36 is added to the number, अगर नंबर में 36 ऐड करते हैं नंबर में अगर 36 ऐड करते हैं तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट्स जब अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर लेते हैं तो रिवर्स नंबर बन जाएगा। तो नंबर में 36 ऐड करा तो हमको क्या मिल गया, रिवर्स नंबर मिल गया। ठीक है, अब नंबर क्या है, नंबर है x प्लस 10 वाई प्लस 36, और रिवर्स नंबर क्या है 10 x प्लस वाई, यहाँ तक बता दीजिए क्लियर है? ठीक है, अब क्या करो, अब हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो x माइनस 10x प्लस 10y माइनस y प्लस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10x क्या हो जाएगा माइनस 9x 10y माइनस y इस प्लस का 9y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में से आप क्या करिए, माइनस 9 ले लीजिए कॉमन, प्लस 36 ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अभी जो माइनस 9 कॉमन लिया, माइनस 9 कॉमन लेने की वजह से ये प्लस वाला जो था ये माइनस हो गया, ये प्लस वाला था ये भी माइनस हो गया, नहीं समझे, हमने जानबूझ कर माइनस 9 कॉमन लिया है क्योंकि ये जो x है ना ये नेगेटिव लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता इसी वजह से, बाकी आपकी मर्जी है, प्लस 9 लेना चाहते हो तो प्लस 9 लेना जैसा ठीक है, भाई प्लस 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस x प्लस y प्लस 36 ये होगा। अगर माइनस 9 कॉमन लिया तो 36 हो जाएगा, अरे हाँ 36 हो जाएगा, ये भास्कर मेरे को कंफ्यूज करते रहते हैं, क्यों मेरे को उल्टी सीधी चीजें बता रहे हो, सर मैंने किया है, चलिए जी 4 हो गया। अब ये जो माइनस 9 है ये 0 अपॉन माइनस 9 होगा, ये 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो x और y की इक्वेशन बन गई। अब y की वैल्यू 12 अपॉन x है, यहाँ पर डालो x माइनस 12 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं यहाँ तक ठीक है? यस सर, ठीक है। आज जो है ना तीनों बच्चों ने अपने मदर फादर के नाम लिख रखे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन बैठा है यहाँ पर, तो हेतल है, और बाकी दोनों कौन है, भी गौरी
बैकग्राउंड में यूट्यूब चल रहा है सर। x into x, x square, LCM ले रहा हूँ, तो x into x, x square, minus 12, और x into minus 4 is minus 4x, और upon x is equal to 0, अब जो है, ये x इधर multiply हो जाएगा, ये हमारे पास बचा गया, x square, minus 4x, minus 12, is equal to 0, ठीक है, ये quadratic equation बन गई, सही है? थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, लास्ट में करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक है भाई, चले आगे। एग्जांपल नंबर 4 देखिए, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। Quadratic equation to find their ages. मदर की एज कितनी हो जाएगी, x plus 26 years, the product of their age is 3 years from now. एज हो गई x plus 29 years, आज से 3 साल बाद। अब वही बोला है मैंने,
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो आज से 3 साल बाद में होगा कि एजेस का प्रोडक्ट वो 360 हो जाएगा. तो x plus 3 into x plus 29 x plus 3 into x plus 29 is equal to 360. ये हो गया. अब मल्टीप्लाई करिए, x into x is x square, x into 29 is 29x, 3 into x is 3x, और 3 into 29 is 87 is equal to 360. x square plus 32x plus 87 x square plus 32x, और 10 minus 7 is 3, 10 minus 7 is 3, इधर हमारे पास 5 बचा, 15 minus 8 is 7, minus 2, 7, 3 is 4, 6. ठीक है जी, बस 2 मिनट रुकिए, अभी आ तो सॉल्व करके देख लो कितनी एज होगी.
हो नहीं रहा है क्या? सर हो रहा है। सर मेरे टर्म के रिजल्ट 7 और 39 आ रहे हैं। बहुत ठीक तो है। ठीक है। 26 साल का अंतर हो गया कि नहीं हुआ? नहीं, 26 साल का अंतर कैसे हुआ? नहीं ना, 33 होना चाहिए। किससे डिवाइड हो रहा है? सर 3 से हो रहा है, 391। 3 से कैसे डिवाइड? अच्छा 39 माइनस 7 ना? तो बहुत हो गया। और 39 × 7 अगर कर रहे हैं तो 7 × 9 = 63, 7 × 3 = 21 और 6 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273। ये हो गया x प्लस 39। इधर माइनस कॉमन ले लिया था, ये x प्लस 39। तो जाओगे बैकअप करो, माइनस 39 ही जाए। x प्लस 39 × x - 7, x की वैल्यू क्या आ गई? एक तो माइनस 39 और एक x की वैल्यू क्या आ गई? 7। माइनस 39 तो हो ही नहीं सकती, एज नेगेटिव थोड़ी होगी। x इज इक्वल टू 7 आ गई, तो ये ठीक है। रोहन की एज 7 है और मदर की एज कितनी है? 33। x प्लस 26 तो 7 + 26 33 हो गया। जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू बिल्कुल ठीक है, एक वैल्यू ज़्यादातर जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें एक वैल्यू आपको ड्रॉप ही करनी पड़ेगी। कोई नेगेटिव में आ जाएगी, कोई फ्रैक्शन में आ जाएगी, है ना, तो उनको ड्रॉप करना होगा। इतना करिए भाई, बाकी सॉल्यूशन जो है ना इनका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से है, वो नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। हाँ कल टेस्ट है, हाँ कल है, बहुत दिनों से डिले हो रहा है, कल करेंगे टेस्ट। Yes, sir.